देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बस शर्त ये है कि भीमराव आकर मुझसे कहें कि शिशुपाल जी, एक मटका शराब दे दीजिए मेरे दोस्त मालू जी के लिए। भी, 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 मांग करके दो ना, मैं मर जाऊंगा नहीं तो, मांग कर दो ना। हितेश जोगू जनार्दन, तुम लोगों ने रात की शराब पी ली क्या? अबे तक तो नहीं पिए मालिक। तो लाओ और पियो। इस मालू जी के सामने पियो, ताकि मालू जी को गुस्सा आए कि उसका दोस्त भीमराव उसे कितनी तकलीफ दे रहा है। बहने लग के आवत है मालिक, चलो मेरे को पिला दो ना, मेरे को पिला दो, दे दो ना शराब। इलाही आए मालिक, बैठो और पियो। लो मालू जी, लो पियो शराब। अरे लो पियो। मैं मर जाऊंगा, ला करके दो ना भीम। हाँ भीमराव, अब तो दया कर अपने दोस्त पर, आ जा मुझसे मांग ले शराब और दे दे अपने दोस्त मालू जी को। ये देख मैं शराब लाया हूं, आ जा। भीम, 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 तुम्हें दोस्ती की कसम है भीम, मांग करके दो ना। दो घूंट पीऊंगा फिर सो जाऊंगा, लेकिन ला करके दो ना भीम। जो शराब न पिए वो क्यों जिए, मरता शराब पिए तो वो भी जी जाए। अरे वाह हितेश बाबू, वाह, तुम तो कविता भी करने लगे। अरे शराब चीज ही ऐसी। पियो पियो। आओ भीमराव, और तुम सब याद करो जब मैंने भीमराव से शर्त लगाई थी कि इसकी शिक्षा बढ़ी या हमारी शराब बढ़ी। मैं तो भीमराव के पास शिक्षा लेने नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मेरे पास आएगा शराब लेने। अब वही खड़े होकर देखो, तुम्हारी शिक्षा का जवाब हमारे पास ये नशे का मटका है। ये अच्छा मुकाबला होगा कि तुम्हारी शिक्षा जीतती है या ये शराब। आजा भीमराव, आओ जीते जीते जीते, निकल 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 निकल। बेटा, शिक्षा को एक मटका दारू के सामने मत झुकने देना। आओ आओ, भीम
लो भीमराव, पिलाओ अपने दोस्त को और उसकी तड़प शांत करो और स्वीकार करो कि तुम हार गए। ये क्या कर रहे हैं आप? मत लीजिए वो शराब का मटका। अरे चुप रहो रमा भाभी, वो मेरा मित्र है, वो दूसरी की तकलीफों को समझता है, है ना भीम? भीम लाओ ला 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 ला। देखो देखो आपके भीम के आदर्शों को देखो, एक मटका शराब के सामने झुक गया। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। हुई हमारा नुकसान करने की? वैरुख, वैरुख। नुकसान? किसका नुकसान? मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है, उल्टा इस शराब के मटके को तोड़कर, ऐसी चीज के मटके को तोड़कर जो किसी को बर्बाद कर सकती है, मैंने इस मालू का भला किया है, इसे इस शराब को पीने से बचाया है। भीम, मुझे शराब चाहिए भीम, मुझे शराब चाहिए भीम। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं मालू को कभी शराब पीने नहीं दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी शर्त पर कायम रहेंगे कि जब तक मैं आपके पास आकर शराब मांगकर नहीं ले जाता और मालू को नहीं देता, तब तक आप भी मालू को शराब नहीं देंगे। ठीक है, नहीं दूंगा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तू देखता रहे अपने दोस्त को, चीखते चिल्लाते तड़पते तकलीफ झेलते, समझा? भीम, मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, मैं रात को ही भाग जाऊंगा। जीजा भाई, भीम मेरा बेटा है, उसके सिद्धांतों को उसके सौतेली आई अपने नौटंकी से आज तक बदल नहीं पाए, तो कोई और क्या बदलेगा? आप सब अपना अपना शराब का मटका लेकर उठिए यहाँ से और अंदर जाइए घर में। भीमराव, ये पूरी की पूरी चाल तुम्हारी नहीं है, हम जहाँ चाहे बैठे, हम जहाँ चाहे पिए, तुम कौन हो तो रोकने वाले?
सुनाई नहीं दी आपको मैंने क्या कहा? अपना अपना शराब का मटका उठाइए और अपने अपने घर के अंदर जाइए। मालू को तो मैं शराब नहीं पीने दूंगा और इसके हित का ध्यान रखना ही अभी मेरी पहली प्राथमिकता है। जाइए आप सब अंदर। हम कौन जा पे? यहाँ पिया पे। सही है? पिया हो देश भाव। ये क्या जिद है? हाँ? मेरा भाई आप सबको कब से समझा रहा है? समझ नहीं आ रहा? हिम्मत कैसे हुई हमारा मटका फोड़ने की? रुक, तुझे अभी बताते हैं। हिम्मत कैसे हुई? हितेश काका, बस हितेश भाऊ, बस। ये दादागिरी की नहीं चलेगी चाल में। आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन अभी यहाँ से चले जाइए। आप सब भी अभी घर जाइए, मैं मालू के पास रुकूंगा। आनंद भैया जाइए आप भी। जा बेटा। भी मैं मर जाऊंगा भी। भी मुझे शराब चाहिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चुपचाप ये दवा पी लो मालू। मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे शराब चाहिए, कहीं से भी लाके दो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। मालू शांत हो जाओ, पी लो ना दवाई जो भीम दे रहा है। नहीं खानी मुझे कोई दवा। और आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? मैं दवा खाऊं, शराब पीऊं, ये मर जाऊं? आप तो पहले से यही चाहते थे ना कि मैं यहाँ इस चौल में नहीं रहूं। तो नहीं रह रहा, मैं जब जाना चाह रहा हूं क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे? कहिए ना भीम को कि मेरा हाथ खोल दे, मुझे शराब पिला दे। भीम शराब पिला देना मुझे, भीम से कहिए ना। चुप, एकदम चुप। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि ना मैं पहले तुम्हारा दुश्मन था और ना आज तुम्हारा दुश्मन हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के बारे में सोचता था, लेकिन तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तुम दोनों एक ही रास्ते पे थे ना, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब तुम उस रास्ते से भटक गए और बिगड़ कर ये हालत बना ली अपनी। तुम्हें मजदूरी करनी थी, पैसे कमाने थे, तो पढ़ाई कैसे करते बोलो? और अब तो कमा लिए ना पैसे, कर लिए ना मजदूरी, देख लो अपनी हालत, शराबी बन गए हो तुम, शराबी। नंदू काका छोड़ दीजिए ना, अभी इस बात पर बहस करके क्या फायदा? अरे इनकी आदत है बोलने की। और आज मेरा जो भी हाल है ना, वो मेरे भाव नंदू भाव की वजह से है। कुछ भी मत बोलो मालू। बोलने दो इसे भीम, क्योंकि इसे तो यही लगता है कि मैं ही दोषी हूं इन सारी चीजों का, और जीवन भर अपना दोष दूसरों को देता रहा। तो ठीक है, ये सब मेरा दोष है, तो मैं जा रहा हूं। काका कहा ना मैं यहां रहने लायक नहीं हूं, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? ये दवा पी लो। भीम मुझे ऐसे कब तक बांध के रखोगे? दवा लो मालू। लेना भीम, जब मौका मिलेगा ना तो मैं भाग जाऊंगा, और इतनी दूर भाग जाऊंगा कि जिंदगी भर मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे तुम। ले लो दवा। मुझे शराब चाहिए, ला करके दोगे? दो ना, ला के दो। अवगुण कहूं शराब का, आपा अहमक सा, मानुष से पशुआ करे, दाए गांठ से खा। आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? मैं दवा खाऊं, शराब पीऊं, ये मर जाऊं? आप तो पहले से यही चाहते थे ना कि मैं यहाँ इस चौल में नहीं रहूं। तो नहीं रह रहा, मैं कब जाना चाह रहा हूं, क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे? मालू जी, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम गलत हो। चाल छोड़कर तुम्हारा जाना ये तुम्हारी गलती थी,
मुझे छोड़कर जाना भी तुम्हारी गलती थी। आज तुम शराबी बन गए हो, ये भी तुम्हारी गलती है। कभी गलत नहीं था मालो जी, कभी नहीं। बाबा के मरने के बाद मैंने भाई की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह तुम्हें पाला। हमेशा से यही चाहता था कि तुम खुश रहो, जीवन में तरक्की करो, और ये सब करने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, सब कुछ किया। किसी भाई के लिए ये सब करना गलत नहीं है मालो जी, सही है। तुम्हारा भाई बहुत प्यार करता है मालो जी। वैसे तो संस्कार कहते हैं कि अगर कोई खाना दे जाए तो थाली साफ करके लौटानी चाहिए, लेकिन आज घर में पानी नहीं है तो आप ऐसे ही लेकर जाइए। मेरी आई यहाँ सब्जी रोटी लेकर आई तो आपने उन्हें झूठी थाली देकर वापस भेज दिया। ये थाली तो जीजा बाई ही धोकर देगी। चाहे जो हो जाए मैं ये थाली नहीं धोऊंगी। जीजा बाई मैं नहीं लेकर जाऊंगी, आप धोकर दोगे थाली। जीजा बाई ये थाली। आई हाँ? खाना खा लीजिए। पता नहीं भैया ने खाना खाया होगा कि नहीं। क्या हुआ आई? शुभा मैं भैया को खाना खिला कर आती हूँ। आई अब जाओगी तो फिर से झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो हो जाने दो, लेकिन जीजा भाई को सबक तो सिखाना होगा ना। हाँ सच में जीजा भाई को सबक सिखाने की जरूरत है, मगर आप क्यों? मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। मेरे भैया के घर को नरक बना दे उससे पहले जीजा भाई पर अंकुश लगाना जरूरी है। तुम मेरी चिंता मत कर, मैं भैया को खाना खिला कर आती हूँ। दीपक ये ले, मेरे साथ चल खाना लेकर। उनके पसंद की सब्जी बनाई है, जानते हो थोड़ा गुस्सा करेंगे, थोड़ा सुनाएंगे, लेकिन ठीक है, वैसे भी सुनती रहती हूँ, थोड़ा और सुन लूंगी। लेकिन इस घर के बाकी लोगों को एक एक करके ठीक वैसे ही घर से बाहर निकालूंगी जैसे दीदी को निकाला है। पति को तो घर से बाहर नहीं निकाल सकती, उन्हें तो समेट कर रखना ही पड़ेगा। अच्छा भैया ने अब तक खाना नहीं खाया। दीपक आजा, खाना लेकर आजा। लीजिए।